राधे राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे प्यारे गोपू। फ्रेंड्स, आज मैं ये वाली ड्रेस बनाऊंगी। फ्रेंड्स, ये ड्रेस बनाना बहुत ही ईजी है। देखिए, पोंचो स्टाइल ड्रेस है। इसकी चोली मैंने पोंचो स्टाइल बनाई है और देखिए ये इसका घेर है। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स, और बहुत डिफरेंट स्टाइल भी है। और ये गोपाल जी के पहनने पर बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगी। देखिए, इसकी प्यारी सी कैप है। ये भी देखिए मैंने थोड़ी सी अलग तरीके से बनाई है। गोपाल जी इसे आसानी से इस तरह से पहन लेंगे। और तो फ्रेंड्स, ये पोशाक आज हम बनाना, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, मेरी बनाई हुई पोशाक पसंद आती है, तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पोशाक को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इस पोशाक को बनाने के लिए मैंने ये वाले फैब्रिक लिए हैं। देखिए, ये सॉटन का फैब्रिक है, क्रीम कलर का फैब्रिक है ये। और देखिए, ये रेड कलर का नेट वाला फैब्रिक है। ये बहुत ही प्यारा फैब्रिक है, बहुत ही ब्यूटीफुल। देखिए, इस पे ये बटरफ्लाई बने हुए हैं, इससे ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखिए मैं ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। तो देखिए, मैंने ये 10 इंच लंबा और 10 इंच चौड़ा फैब्रिक कट कर लिया है। अब इसको देखिए, हम इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे एक बार, और एक बार और इस तरह से फोल्ड करेंगे। अच्छी तरह से इसकी लेयर सेट कर लेंगे, कोई भी लेयर आगे पीछे ना हो। अब ये सॉटन का फैब्रिक है फ्रेंड्स, तो ये स्लिप होता है, तो इसलिए हम इसमें ऑल पिन वगैरह लगा लेंगे। ऑल पिन या पिन कुछ आपके पास हो तो आप लगा लीजिए। देखिए, मैंने लगा ली है। अब हम इसे गोलाई में कट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए हमने ये स्केल ले लिया है। आप इंची टेप भी ले सकते हैं, स्केल से थोड़ा सा ये सीधा रहता है तो हिलता नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है। अब देखिए, इस तरह से ये मैं एक मेजरमेंट सेट कर लूँगी। तो ये 5 इंच पे सेट हो रहा है, तो इस तरह से हम पूरे 5 इंच पे इस तरह से ऐसे मार्क कर लेंगे, और उसके बाद सारे मार्क को मिला देंगे आपस में, और फिर इन्हें हम कट कर लेंगे। तो बहुत ही आसान है ये, कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसमें। देखिए इस तरह से, देखिए तो ये कट हो गया है। अब हम कमर के लिए कट करेंगे, तो हमें ज़्यादा बड़ी नहीं करना है। तो देखिए, आधा इंच पे हम यहाँ मार्क कर लेंगे, आधा इंच पे, और इस तरफ भी आधा इंच पे मार्क कर लेंगे। और इसके बाद इन दोनों मार्क को आपस में गोलाई से मिला देंगे। देखिए, हमने मिला दिया है। अब इसे कट कर लेंगे। देखिए, अब ये इस तरह से हो गया है, मैंने इसे खोल लिया है। अब इस पे देखिए, हम ये वाला फैब्रिक देखिए, इसको हम उल्टा रख लेंगे। अब मतलब इसकी जो सीधी साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए, तो इस तरह से इसे हमने रख लिया। उसके बाद हम इस पे ये रेड कलर का फैब्रिक लगाया। देखिए फ्रेंड्स, इसके जो ये तार जैसे हल्के निकलते हैं, तो इसको आप हल्का सा मोड़ के भी सिल सकते हैं, नहीं तो इसको बर्न कर लीजिए। सबसे ईजी तरीका है, इसको हल्का सा बर्न कर लीजिए। और देखिए, ये वाला फैब्रिक भी हम इससे हमने थोड़ा सा बड़ा लिया है, जैसे कि मैंने ये 12 इंच चौड़ा और 12 इंच लंबा लिया है। अब देखिए, हम इस तरह से इसको उल्टा ही रखेंगे इसके ऊपर, और इस तरह से एक सिलाई यहाँ से लगाते हुए ऐसे लगा लेंगे। तो ये चूँकि स्लिप ना हो, तो इसलिए मैंने इसमें ये लगा ली है, आल पिन लगा ली है। अब चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। तो देखिए, हमने सिलाई लगा ली है इसमें, देखिए यहाँ से ऐसे। अब जहाँ से हमने सिलाई लगाई है, ये 2 सिलाई, उनके बीच से हम इसे कट करेंगे। ध्यान रहे, सिलाई कट ना हो। देखिए, हम बीच से कट कर लेंगे ऐसे, और ये कमर पे भी कट कर लेंगे। कमर पे जो नेट का फैब्रिक आ रहा है, इसे भी कट कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हो गया है। अब हम सारे जो नेट का फैब्रिक है, उसको पलट के दूसरी तरफ कर लेंगे, यहाँ से दूसरी तरफ कर लेंगे, और एक साथ सेट कर लेंगे इस तरह से। देखिए, हमने कर लिया है। अब हम चाहें तो इस पे अभी भी एक सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन
देखिए अब हम इसको ऐसे पलटेंगे और ये जो रेड कलर का नेट वाला फैब्रिक है इसको हमें गोलाई में कट करना है। अभी ये चौकोर है, अभी हमें इसे गोलाई में कट करना है। तो इस तरह से हम इसको रख के और यहाँ से कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है इसे। अब देखिए ये हमने सॉटन का फैब्रिक लिया है रेड कलर का, तो इससे अब हम इसमें नीफा लगाएंगे। तो नीफा लगाने के लिए देखिए इस तरह से इसे ऐसे करके ऐसे सिलाई लगा लेंगे पूरे में। देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है और एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया था। अब देखिए हम इसको ऐसे पलट के और इस तरह से थोड़ा सा मोड़ के और ऐसे रख के सिलाई कर लेंगे। उससे पहले फ्रेंड देखिए मैंने ये डोरी ली है लड्डू गोपाल जी के कमर के नाप के हिसाब से। तो मैंने देखिए इसे अब इस डोरी को हम क्या करेंगे, जब इस तरह से सिलाई करेंगे तो इसको ऐसे बीच में रख लेंगे और उसके बाद इसे सिलाई लगा लेंगे। ध्यान रहे डोरी ना सिलाई में आए, नहीं तो ये फिर ये स्लिप नहीं होगी। तो चलिए हम सिलाई लगा लेते हैं। देखिए हमने ये नीफा लगा लिया है और ये इस तरह से हो गया है और ये हम लड्डू गोपाल जी की कमर में अब इस तरह से बांध सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स ये जो यहाँ पे तार निकलते हैं इनको ही मैंने थोड़ा सा बर्न कर लिया था। तो देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब देखिए आगे हमें क्या करना है। देखिए ये लेस लिए मैंने रेड कलर में है, रेड और गोल्डन में है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ऐसे करके पूरे सर्कल में किनारे किनारे केवल हमें नेट वाले फैब्रिक पे लगानी है। तो इस तरह से हम लगा लेंगे और उसके अलावा यहाँ जो दोनों किनारे हैं यहाँ भी हम लगा लेंगे। देखिए हमने लेस लगा ली है और यहाँ मैंने कमर पे भी लगा दिया है इसे। तो देखिए इस तरह से एक घेर बनके तैयार हो गया है। देखिए बहुत ही प्यारा सा घेर बनके, बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का घेर बनके तैयार आया हुआ है और बहुत ही सुंदर लग रही है ये। अब चलिए हम इसकी चोली बना लेते हैं। तो देखिए चोली बनाने के लिए मैंने ये क्रीम कलर का सॉटन वाला फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने 5 इंच रखी है। अब इसको भी हमें सेम उसी तरह से करना है जैसा कि हमने घेर में किया था। इसको इस तरह से पलटेंगे और एक बार और पलट लेंगे। अब देखिए यहाँ भी हमने ऑल पिन लगा लिए स्लिप ना हो इसलिए। अब इसे हमें देखिए गोल में कट कर लिया है और इसके लिए छोटी सी एक गला भी कट कर लिया है। अब इसी तरह से सेम इस पर भी हम फैब्रिक रखेंगे नीचे सीधी साइड नीचे की तरफ, उल्टी साइड ऊपर की तरफ दोनों फैब्रिक की और सिलाई लगा लेंगे। देखिए हमने सिलाई लगा ली है। अब उसी तरह से सेम कट करना है जैसे कि हमने घेरे में किया था दोनों सिलाइयों के बीच से और ये गले पे भी है। तो देखिए हमने कट कर लिया। अब इसको पूरे फैब्रिक को अब इसको हमें गोलाई देनी है। जो नेट वाला फैब्रिक है इसको हमें गोलाई देनी है। तो इस तरह से करके ये फ्रेंड्स मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रही हूँ नहीं तो वीडियो लेंदी हो जाती है। तो जैसा कि हमने घेर में किया था सेम हमें वैसे ही करना है। देखिए फ्रेंड्स ये बटरफ्लाई कटिंग में ना आए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से मोड़ के और ऑल पिन वगैरह लगा के सेट कर लेंगे फिर कटिंग करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने कर ली है। अब ये कटिंग कर देंगे हम। तो देखिए अब ये गोल हो गया है बिल्कुल। अब इसको भी फ्रेंड्स हम इकट्ठा करके और पीछे की तरफ निकाल लेंगे। इसके ऑल पिन निकाल लेंगे हम पहले। देखिए ये ऐसे हो गया है। अब इसको हम उठा के और जैसे हमने घेर में किया था उसी तरह से देखिए आगे कर लिया हमने फैब्रिक। अब ये वाली लेस हम लेंगे और इसको पूरे सर्कल में यहाँ से देखिए हम लगाते हुए और यहाँ करके
पूरे सर्कल में लगा लेंगे और दोनों किनारों पे भी। देखिए हमने लगा ली है ये। अब हम यहाँ गले पे बांधने के लिए लगाएंगे। तो देखिए मैं ये वाली लेस लगा रही हूँ, तो इस तरह से इसको ऐसे यहाँ से लगाते हुए और पूरे सर्कल में लगाते हुए, और इसको हम एक्स्ट्रा रखेंगे दोनों तरफ क्योंकि ये बांधने के लिए भी हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों तरफ एक्स्ट्रा रखते हुए और इसको ऐसे लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये चोली भी तैयार हो गई है और ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। और फ्रेंड्स देखिए ये जो बटरफ्लाई मैंने कट की थी, देखिए मैंने यहाँ पे एक बटरफ्लाई लगा दी है, तो ये इसकी ब्यूटीफुल और मतलब ये इसकी सुंदरता और बढ़ गई है। तो देखिए इस तरह से ये चोली भी बन के तैयार हो गई है। जब हम लड्डू गोपाल जी को पहनाएंगे तो उनके गले में इस तरह से पीछे बांध देंगे। देखिए इस तरह से, अब चलिए हम इसके लिए कैप बना लेते हैं। देखिए इस तरह से बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। देखिए ये वाला घेर है इसका, इस तरह से देखिए ये घेर बहुत ही डिफरेंट स्टाइल है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये। ऐसे और इसके ऊपर ये चोली पॉन्चो स्टाइल। अब चलिए हम इसके लिए कैप बना लेते हैं। तो देखिए कैप बनाने के लिए मैंने ये सॉटन का फैब्रिक ले लिया है। 4 इंच चौड़ा है और इसकी लंबाई 11 इंच है। अब ये वाला जो फैब्रिक है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, इस तरह से उल्टा रखेंगे हम, और ऊपर वाला फैब्रिक भी उल्टा ही रखेंगे और इस तरह से ऐसे पलट जाएगा ये। तो इसको फैब्रिक को उल्टा रख लेंगे हम, नीचे सीधी साइड नीचे की तरफ आनी चाहिए और इसको भी हम उल्टा ही रखेंगे। और इस पर हम देखिए 3 तरफ से सिलाई लगाएंगे, 3 तरफ से यहाँ दोनों किनारों पर और नीचे की साइड। देखिए तो यहाँ देखिए ऐसे नीचे सिलाई लगा लेंगे और दोनों किनारों पे। ये यहाँ से ऐसे लेते हुए और ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स ये इसकी बटरफ्लाई कटिंग में चले जाएंगे, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि इनको निकाल लेते हैं पहले जो किनारे वाले हैं। देखिए ये वाले जो बटरफ्लाई हैं ये किनारे पे आ रहे हैं, इनको हम निकाल लें। अब देखिए हमने सिलाई कर ली है, अब इसको हम इस तरह से पहले मोड़ लेंगे। पहले मोड़ लेंगे उसके बाद देखिए हम इस तरह से इसको मोड़ के सिल लेंगे। लेकिन इसके जो बटरफ्लाई है देखिए किनारे वाले ये ख़राब हो जाएंगे, तो इनको हम निकाल लेते हैं, ये हम बाद में लगा देते हैं तो ये बहुत सुंदर लगेंगे। देखिए हमने कट कर लिए, अब इसको ऐसे मोड़ के फैब्रिक को ऐसे मोड़ के और इस पर सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। और उसके अलावा देखिए मैंने लड्डू गोपाल जी के सर की गुलाई के हिसाब से 5 इंच लंबी इलास्टिक ली है, लगभग आप 5.5 इंच लीजिएगा क्योंकि आगे पीछे ये सिलाई करने में दब जाती है। देखिए हमने सिलाई कर ली है इस पर ये इलास्टिक लगा के, और इसको बगल से भी हमने यहाँ पे सिलाई कर ली है किनारों पे भी। अब देखिए हम इसको यहाँ पे सुई धागे की हेल्प से ऊपर छोटे छोटे से टाँके डालेंगे।
देखिए हमने टाके डाल लिए हैं, अब हम इनको अच्छी तरह से कस के बांध देंगे और कट कर लेंगे। देखिए तो इसे हमने सीधा भी कर लिया है कट करके, तो देखिए ये कितनी प्यारी सी कैप बन के तैयार हो गई है। इसको हम इस तरह से लड्डू गोपाल जी को पहना देंगे और ऊपर ये मैंने कुछ बटरफ्लाई ये कटिंग में जो निकले थे वो लगा दिए हैं, तो देखिए ये भी कितने सुंदर लग रहे हैं। इस तरह से कितनी आसानी से कितनी ब्यूटीफुल सी कैप बन के तैयार हो गई है। तो फ्रेंड्स देखिए ये पोशाक, ये नीचे का घेर है ये आपने देख ही लिया है, और ये पोंचो स्टाइल चोली बनाई है मैंने, देखिए इस तरह से। और ये इसकी मैचिंग की कैप। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये पोशाक, पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि मैं इसी तरह से आपको नई नई पोशाक बना के दिखाती रहूँ। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।